हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग्स एंड मेरे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी विलेज लाइफ कैसी होती है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अभी जो है भैंस का दूध निकालने की हो रही है तैयारी। ये मैंने ले ली है रोटी भैंस के लिए, क्योंकि वो बिना रोटी खाए दूध नहीं देगी। सबसे पहले उसे हम रोटी देंगे, उसी के बाद भैंस का दूध निकालेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आगे की प्रिपरेशन। ये मैं एक गिलास पानी इसमें डाल दूँगी बकेट के अंदर भैंस के लिए, और मम्मी निकाल के लाएंगी दूध। मैं यहाँ पे कर देती हूँ सारी तैयारियाँ। पानी डाल दिया है, रोटी रख दी है, सब कुछ हो गया है अभी रेडी। अभी मिलते हैं दूध निकालने के बाद। चलिए अभी चेक करते हैं बच्चे का लंच बॉक्स, इसने खाना फिनिश किया या नहीं किया, क्योंकि ये मुझे कह तो रहा था कि मम्मा मैंने सारा लंच फिनिश कर लिया है। अभी देखते हैं इसने कितना फिनिश किया है और कितना नहीं। चलिए ओपन। ये देखिए आज तो इसने पूरा ही लंच बॉक्स खाली कर लिया है। मुझे ये कह तो रहा था कि मम्मी मैंने सारा लंच फिनिश कर लिया है, पर मुझे ये बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे झूठ बोल देते हैं लंच को लेके कि मम्मी डांटे ना इसलिए। चलिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ वॉश करने के लिए। मम्मी गई हुई है अभी दूध निकालने के लिए भैंस का। जैसे ही वो आती हूँ मैं आपको भी उनसे मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ कि आगे हम लोग, इवनिंग का टाइम हो गया तो चाय वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, या चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर किसके ऊपर चाय बनाते हैं, वो प्रोसीजर मैं आपको आगे का बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं जैसे ही मम्मी आती है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो हम चाय किस पे बनाते हैं, चूल्हे पे भी नहीं बनाते हैं। ये देख सकते हैं, ये चूल्हा रहा हमारा, गैस रहा, ये इधर चूल्हा आपको नज़र आ रहा होगा। हम बनाते हैं चाय हीटर के ऊपर, तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी। ये मैंने हीटर के ऊपर चढ़ा दी है थोड़ा सा पानी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चाय पत्ती। अब ये थोड़ी हो जाएगी इसमें, इसे पानी को हो जाएगा बहुत। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, आप देख के बता सकते हैं ये क्या है। ये है एक चाय में डालने की कोई चीज़ है। अगर आपको पता है और आप गांव वगैरह के साइड रहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है जो हम चाय में डालते हैं। आई थिंक जो गाँव की साइड लोग रहते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा ये क्या है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगी क्या है जो कि हम चाय में डालते हैं। अभी मैं इसे तोड़ के चाय में डालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने तोड़ ली है, जो मैंने स्ट्रीम्स आपको दिखाई थी उसमें से थोड़ी सी तोड़ ली है, और अब मैं डालने जा रही हूँ चाय के अंदर। और अब हम एक प्लेट लेते हैं और कुछ टाइम के लिए इसे कवर कर देते ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। ये प्लेट ले ली है मैंने और इसमें रख देती हूँ। अभी वेट करती हूँ, मम्मी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। ये आ गया है दूध, दूध अब डाल देंगे हम चाय में। अभी चाय बनने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चाय बन के हो चुकी है अब रेडी और पीने के लिए है तैयार। अब मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। चाय पी के गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और ये है मेरा छोटा सा बेबी जो कि स्कूल से आने के बाद सो रहा है। थोड़े टाइम के लिए इसे सोने देते हैं, उसके बाद उठ के ये होमवर्क करेगा और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और ये देखिए बच्चा, ये उठने का नाम नहीं ले रहा, फिर रात को सोएगा नहीं और मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठेगा नहीं। कन्नू
उठ जा बच्चा, उठ जा उठ जा। हो जा हो जा। ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहा। बेबी उठ चुका है अभी और अपना कर रहा है होमवर्क स्कूल का। हेलो करो कनू, कनू हेलो करो। ये देखना फोन बंद किए जा रहा है। अभी हो चुका है होमवर्क इसका कंप्लीट और मैं करने जा रही हूँ अब शाम के खाने की तैयारी। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड बाय बाय। मैंने खाना फिनिश किया। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग्स एंड मेरे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी विलेज लाइफ कैसी होती है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग्स। बेबी उठ चुका है अभी और अपना कर रहा है होमवर्क स्कूल का। हेलो करो कनू, कनू हेलो करो। ये देखना फोन बंद किए जा रहा है। अभी बज चुके शाम के 6 और ये देखिए बच्चा, ये उठने का नाम नहीं ले रहा है, फिर रात को सोएगा नहीं और मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठेगा नहीं। कनू उठ जा बच्चा, उठ जा उठ जा। बिल्कुल गारंटी में सो जा रहा है। ओपन योर आईज, खड़े हो जा हो जा हो जा। ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। मैं इसको उठाती हूँ और उसके बाद आपसे फिर से करती हूँ बात। चाय पी के गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और ये है मेरा छोटा सा बेबी जो कि स्कूल से आने के बाद सो रहा है। थोड़े टाइम के लिए इसे सोने देते हैं, उसके बाद उठ के ये होमवर्क करेगा और फिर मैं आप। अभी हो चुका है होमवर्क इसका कंप्लीट और मैं करने जा रही हूँ अब शाम के खाने की तैयारी। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड बाय बाय।